सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पूर्व वीडियो में हमने कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2 फसलों के त्योहार पढ़ा, जिसमें हमने बिहार और झारखंड में फसलों के त्योहार कैसे मनाया जाता है जाना। अब पाठ में आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु, गुजरात, कुमाऊं में फसलों के त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ 2 फसलों के त्योहार, पृष्ठ संख्या 15। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर निगिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। बच्चों, यहाँ पर नक्शे में तमिलनाडु को दर्शाया गया है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसल अर्थात जो कि बरसात में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, तो इस दिन अरहर और चावल घर में लाया जाता है और नए धान को कूटकर उससे चावल निकालते हैं। नए मटके में दूध, चावल और गुड़ डालकर धूप में पकाने के लिए रखते हैं 10 से 12 बजे तक। और हल्दी शुभ मानी जाती है, तो हल्दी जो साबुत रहती, साबुत अर्थात समूचा या अखंड, उसको मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। दूध में जब उफान आने लगता, उफान आने आने ऊपर की ओर उठने लगता है, तो दूध चावल जब मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल अर्थात की खिचड़ी में उफान आ गया के को सभी एक स्वर में बोलते हैं और पोंगल के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ पर बच्चों देखिएगा कि यहाँ पर नक्शे में गुजरात को दर्शाया गया है, जहाँ पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न, जश्न यानी उत्सव, उत्सव मनाया जाता है। नजर उठाकर देखने से, आसमान की ओर देखने से क्या होता है, हर रंग और आकार की पतंगे आकाश में लहराती है। तो आसमान यानी आकाश, आकाश और नजर यानी दृष्टि। तो इस दिन ऊपर नजर उठाकर देखने से बहुत सारी पतंगे ऊपर में हर आकार की और रंग रूप की पतंगे लहराती रहती हैं। सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ रंग बिरंगे पतंग उड़ाते हैं। आयु यानी कि चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, सभी पतंग उड़ाते हैं। हजारों लाखों पतंगे सूर्य भी क्या होता है, ढक जाता है, अर्थात सूर्य दिखाई नहीं देता है, इतनी पतंगे उड़ाई जाती है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं।
बच्चों, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है। इसके पीछे एक लोक कथा प्रचलित है जिसमें एक राजा थे जिसको बहुत मन्नत के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ और जिसको खाना खिलाने के लिए उसकी माँ उसके गले में एक माला डालती है और उस माला को दिखाते हुए बोलती है कि यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो इसे घुघुत ले जाएगा और कौवे की ओर इशारा करती। फिर बच्चा खाना खाने लगता। एक बार क्या होता है, उसके पुत्र का अपहरण हो जाता है और कौवे की मदद से ही उसका पुत्र उसे दोबारा सही सलामत मिल जाता है और इसी दिन से इस घुघुतिया के रूप में पर्व मनाया जाता है, घुघुतिया ने मकर संक्रांति को। तो बच्चों, इस दिन क्या होता है कि गुड़ और आटे को गूंथ कर पकवान पकवान बनाया जाता है। पकवान अर्थात कि जो तेल और तेल में या घी में तला जाता है उसे उसे पकवान कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। और इसे विभिन्न प्रकार के आकार दिया जाता है, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ी, दाढ़ी अर्थात अनार का फूल आदि का माला बनाकर पिरोया जाता है, जिसमें बीच बीच में क्या करते हैं, गन्ने की गंडेरी यानी गन्ने के टुकड़े और संतरे भी डाले जाते हैं और पकवान को डाले जाते हैं। और इस दिन बच्चे क्या करते हैं, खुशी खुशी से बड़ी रुचि रुचि यानी अपनी इच्छा या मन पसंद से और उत्साह उत्साह यानी उमंग और जोश के साथ करते हैं और पक्षियों को बुलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं कि कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी यानी खाने की पूरी ले जा और मुझे सोने की छुरी दे जा। अर्थात कौवा आओ मकर संक्रांति आओ और यह पकवान खाओ और मुझे सोने का घड़ा दे जाओ और यह पूरी खा लो और मुझे सोने की छुरी दे जाओ। बच्चों, इस प्रकार जिसकी जो कामना हो, कामना अर्थात इच्छा या मनोरथ हो, वह मांगता है। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं। बच्चों, लेखिका कहती है ना कितने अलग-अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, अर्थात सभी अलग-अलग प्रकार और नामों से इसे मनाते हैं। कहीं गुड़, चावल और दूध की खीर तो कहीं पर 5 प्रकार के अनाज से खिचड़ी बनाई जाती है। और बच्चों, आपने कुंभ स्नान के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पर सैलाब सैलाब यानी जैसे नदी में अधिक पानी आ जाने से बाढ़ आ जाता है या जल प्राण होता है, उसी तरह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और लोग चाहे कितने भी ठंड हो ठिठुरते रहेंगे परंतु कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाते हैं या अर्थात वहाँ स्नान करते हैं। और वहाँ तिल रखने की जगह न होना अर्थात बहुत अधिक भीड़ होना। तो बच्चों, मकर संक्रांति में वहाँ पर सब जाते हैं और स्नान करते हैं। बच्चों, मकर संक्रांति में तिल का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल डालकर स्नान भी किया जाता है और तिल का दान भी किया जाता है और कई लोग आग में तिल डालते हैं और तिल के बहुत सारे पकवान बनाते हैं, जैसे तिल का लड्डू, तिल कुट, गजक आदि। बच्चों, तुम्हारे मोहल्ले में मकर संक्रांति को कैसे मनाया जाता है? इसे आप लोग क्या कहते हैं? खिचड़ी बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं या मकर संक्रांति या कुछ और भी बोलते हैं? आप लोग को फसलों से जुड़े कोई और भी त्योहार मनाते होंगे।
बच्चों आप लोग को जानकर हैरानी हैरानी यानी आश्चर्य होगा कि मोहल्ले में विभिन्न धर्म और जाति समुदाय के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने ढंग से इस त्योहार को मनाते हैं। ढंग यानी तरीके, है ना, अपने अपने ढंग या तरीके से इसे मनाया जाता है। तो बच्चों आपको ये पाठ कैसा लगा? बहुत ध्यान से इसे दोबारा से पढ़ें और समझें, और पाठ से संबंधित कठिन शब्द शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको दिया जाएगा और आप उसे अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।